Yo, what's up, guys, and welcome to part three of Dangal Movie. So last time we saw that they are trying to trick their father, but I think he's too smart. Let's see. Don't forget, guys, subscribe to their channel and like the video. Let's go. Here we go. सुनीता की मेहंदी में जा रही हो? वो मम्मी नाक कटवानी है क्या मेरी? कौन सी? ये वाली देखो तो चलो मेरी छोरियां छोरियों जैसी तो लाग रही हैं। पापा को मत बताना। 8 के पहले आ जाना। It's a bit too loud. That's funny lyrics. What did he get? Oh, he found out. I don't know if the translation is correct. Loser. I don't know if loser is the best word. Wow, look at his face. Oh boy. He's angry. He's furious. Ow! Oh, come on. Now that is a ridiculous attitude. I mean, in the beginning I used to like him, but come on. This is just too much. You don't hit children. इतना बड़ा बवाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी? कौन पापा अपनी छोरी से पहलवानी करवाता है? सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाता है, मजदूरों की तरह काम करवाता है, छोरों से लड़वाता है और जरा सी चूं जाकर तो सर के पहाड़ तक कटवा देता है। ऐसा बाप भगवान किसी को ना देवे। Wow. काश भगवान ने ऐसा बाप मुझे दिया होता। At least you have one, right? Is that what she's gonna say? थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है। Wow. Strong. वरना यहाँ तो हाल यू है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका, करा लो उसे झाड़ू पोछा, और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले, छुड़ा दो पीछा, Wow. कर दो से एक ऐसे मर्द के वाले Is it considered a burden? जिसे उसे कभी देखा ही नहीं। No. करने तो पैदा बच्चे, पालने तो उन्हें। थारा बाप कम से कम थारे को औलाद का दर्जा तो दे रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है,
उनकी जली कट्टी सुनकर चुप है क्यों? ताकि तुम दोनों कुछ बन सको। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? It's not what he's doing, it's how he's doing it. You have to have balance in life, come on. But I hope the girls start, you know, start being more disciplined. Show him. Now he has to respect them because at least they didn't run away. They got back up and started training again. So he must show respect. दिखाने का मौका जब किस्मत देती है गिन के तैयारी के दिन I saw that in the trailer देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है This is nice Whoa. Ow, my back. Wait a second. Does Dangal mean wrestler? पता नहीं था, पर मेरे खून में पहलवानी कतई ना थी. देख कैसे कर. इतना घी दे दे माँ, किक्कर हो गया. वो तो मैं तेरा मन रखने के लिए जानबूझ के हार रहा हूँ। चल किट्टू जट्टू जानबूझ के हार रहा हूँ। She got offended. बात अपने बीच में है तो तू भी अपनी फैमिली का तेरी बदनामी में हमारी बदनामी भी है। चादा उछले मत कल देख लेना कल ना हो पाएगा तेरे से। वाओ नहीं ताऊजी कल पक्का टफट दूंगा। कल हम रब तक जा रहे हैं दंगल लड़ने। Really already? लेकिन मैं दंगल के लिए रेडी ना हूँ ताऊ जी। रे तेरी बात कौन कर रहा है? He's proud of them. यो लड़ेगी छोरों से? अरे दो मिनट भी ना टिक पावेगी ताऊ जी। क्यों? तू छोरा ना है के? तन्ने तो टिका दिया इसने। Take that. You lost your opportunity to keep your mouth shut, boy. वैसे तो मैंने बहुत दंगल देखे थे पर आज ऐसा दंगल देखने जा रहा था जो हरियाणा में पहले किसी ने ना देखा था। बवाड़ तो होना ही था। महावीर सिंह जी फोगाट राम 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 राम। अब दंगल देखने आए शोभा बढ़ गई मारी। सात पहलवान भी लाया हूं। नाम बताओ। गीता कुमारी फोगाट है जी। गीता कुमारी फोगाट। छोरी से दंगल लड़वाओगे? हाँ तो लिख। देखो भाई साहब जिस दिन रोटी बेलने का कंपटीशन कराऊंगा ना उस दिन लेना गीता जी को यहाँ। The disrespect। दंगल हो रहा है। बड़ी दूर से आए हैं लड़े बिना तो जावेंगे नहीं। Either he fights लड़ेगी या तू और मैं। Wow. एक तो आप गलत बात कर रहे हो और ऊपर से जिद भी कर रहे हो। ये गलत बात कर रहा हूँ मैं? छोरी का छोरे से दंगल लड़वाओगे? भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही। हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तेरी इज्जत तो मैं यहीं उतार दूंगा। भाई साहब देखिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन जो आप कह रहे हैं
वो ना हो सके. You mean it can't happen? What's wrong with you? पावेगा भाई साहब. Of course you can. The disrespect. चल. कमाल कर रहा है यार ये. दाव लगाने का मौका मिल रहा है तू वो कवर दे रहा है. मतलब कितने साल से दंगल करा रहे हम? 5. और कितने लोग आते हैं हमारा दंगल देखने? मुट्ठी भर. तू? अरे मंदबुद्धि जरा सोच. जिस शहर ने आज तक छोरियों को लड़ते हुए नहीं देखा उस शहर में छोरी छोरी. This guy is a marketing genius. कितने लोग होंगे? दंगल हिट हो जाएगा हमारा. अरे छोरी के हाथ पांव टूट टाट के तो टूटन दे. तू तो अपने टूटे दंगल पे मरहम लगा. 2-2 रुपए भी लेगा ना टिकट के तो भी तेरे पहलवान महीने भर बैठ के खाएंगे. Can you see? महावीर जी. Smart guy. भाइयों और बहनों, बुड्ढों और गुड्डियों, आपने सांप निकलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी, आग पर चलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी, पर आज रोहतक के इतिहास में पहली बार के साथ दंगल लड़ने A lot of curious people. आधे घंटे में लाल चौक पे टिकट सिर्फ 2 रुपए में दंगल वाली छोरी. चीटड़ा है तू कहाँ? अपने पहलवानों को शेरों से भी लड़वाता ना तो भी इतनी पब्लिक नहीं आती. Exactly. Look at how many people. How many curious people. क्या लग रहे? कितने सेकंड टिकेगी? You know what they should have done? Not only charged tickets, but place bets. जब तक तू बोलेगा तब तक तो चित भी हो जाएगी. ऐसे कपड़ों में लड़ेगी के? रूम में तो ऐसे ही पूछ रही हूँ भाई. Perv, pedo. दिखने में तो करारी लग गया यार. अरे कि टीशर्ट वीशर्ट ना फट जावे. अरे फट जावे तो फट जावे ना यार. दंगल के नियम जानती है तो फिर चुन ले किससे हारना है तन्ने. Choose the biggest. के लगे है किसको चुनेगी? अपने काकड़ी कीकू को. पहली बार जीतेगा अपने कीकू. She's gonna choose the guy with the six pack, the strongest. She is. She's bold. बावड़ी होगी है तेरी छोरी. Yeah. Like father, like daughter. वरना single piece में वापस ना जाएगी. दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है. मेरी छोरी डर से तो जीत गई है. छोरी है. समझ के लड़ियो. Go easy. बस छोरी समझ के ना लड़ियो. Wow. Wow. She's slippery. Look at that. Oh, that's a point for her. That's not part of the rules. Guys, before we continue, let me tell you, we're gonna have very many parts. So this is part 3. Come back for part 4. We're going to continue watching. And don't forget to call your friends. Don't forget to like and subscribe. Okay? Come back for part 4. See you soon. Take care now. Bye-bye.